हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 98 तक पढ़ा था, राइट? जिसमें हमने लास्ट टाइम केक की बात की थी और आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। उसका नेम क्या है? ग्रीडी कुंदू। कुंदू है वो ग्रीडी मैन होता है, मतलब कि बहुत ही लालची होता है। तो चलो वो क्या करता है देखते हैं। कुंदू इज अ ग्रीडी मैन। कुंदू है वो लालची था। Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but doesn't want to spend much money. वो जब भी मार्केट जाता था तो उसे ज्यादा चीजें चाहिए होती है, पर उसके लिए वो पैसे नहीं देता था। One day he wants to eat pumpkin हलवा, मतलब कि sweet dish। एक दिन उसे पम्पकिन खाना था, मतलब कि पम्पकिन का हलवा, कि जो बहुत ही स्वीट डिश होती है, तो वो उसे खाना था। He tries to buy a big pumpkin with only rupees 10। तो उसने पम्पकिन खरीदने के लिए क्या सोचा कि वो पम्पकिन के रुपीज 10 ही देगा। He asks the first pumpkin seller the price of a big pumpkin। तो उसने फर्स्ट सेलर, मतलब कि जो पहला था बेचने वाला, तो पम्पकिन की प्राइस पूछी। तो उसने क्या बोला, चलो देखते हैं। फर्स्ट पम्पकिन सेलर, 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज 4 rupees 10। मतलब कि जो पूरा पम्पकिन है उसका 1/4 पार्ट, मतलब कि उसके 4 पार्ट होंगे, उसमें से एक पार्ट है वो उसे रुपीज 10 में देंगे, राइट? This full pumpkin will cost rupees 10। तो पूरा जो पम्पकिन है उसके रुपीज कितने होंगे? rupees 40 होंगे, क्योंकि वन पार्ट है उसके 10 है, राइट? वन पार्ट के rupees 10 है, तो ऐसे 4 पार्ट होंगे तो उसके कितने होंगे? 10 × 4 = 40 rupees होंगे। सो कुंदू ने क्या बोला, देखो, एह 4 rupees 10, यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ दिस पम्पकिन। आपको मुझे 10 rupees में 2 पार्ट्स देने होंगे। फर्स्ट पम्पकिन सेलर, तो जो बेच रहे थे उसने क्या बोला, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर। तो आप लोग दूसरे बेचने वाले हैं उसके पास जाओ। ही कैन गिव यू 1/2 ऑफ सच अ बिग पम्पकिन 4 rupees 10। वो आपको 10 rupees में हाफ पम्पकिन है वो दे सकते हैं, पर मैं तो नहीं दे सकती। I keep only good quality pumpkins। मैं always pumpkin है उसकी good qualities रखती हूँ, तो मैं आपको rupees 10 में half part है वो नहीं दे सकती हूँ। देखो यहाँ पर हमें picture दिया गया है, ये first seller है, ये greedy कुंदू है और यहाँ पर pumpkins दिखाई दे रहे हैं, right? कुंदू walks to the next seller and looks for a pumpkin of the same size। फिर क्या करता है कुंदू है वो चल के दूसरे सेलर के पास जाता है कि वहां पर पम्पकिन देखता है सेम साइज का, वो पम्पकिन है वो भी सेम ही होता है। कुंदू क्या बोलता है, हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट 4 rupees 10। मुझे rupees 10 में पम्पकिन है वो कितना मिलेगा? सेकंड पम्पकिन सेलर, हाफ। तो सेकंड पम्पकिन सेलर, मतलब कि जो दूसरा पम्पकिन बेचने वाला था, उसने बोला कि आपको हाफ मिलेगा। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट rupees 10। तो हाफ पार्ट है वो उसे rupees 10 में दे रहे हैं, तो उसका फुल पार्ट है वो कितने रुपीज में मिलेगा? rupees 20, क्योंकि हाफ पार्ट है वो rupees 10 में देते हैं। तो फुल पार्ट करने के लिए हमें उसे मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। सो 10 × 2 = 20। तो फुल पम्पकिन है उसके rupees 20 होंगे। तो वहां पर कुंदू क्या बोलता है, देखो यहाँ पर कुंदू बोलता है, ए वाई नॉट गिव मी 3/4। देखो उसका ग्रीडी मैन कितना है वो देखो आप लोग, की आप मुझे 3/4, मतलब कि पूरे पम्पकिन के 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स क्यों नहीं देते? पहले जहां पर गया था उसने 1/4 बोला तो इसने हाफ मांगा, यहाँ पर उसने rupees 10 में हाफ बोला तो उससे 3/4 मांग रहा है। देखो सेकंड पम्पकिन सेलर क्या बोल रहा है यहाँ पर, रन अवे, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन, यहाँ से भागो और दूसरे जो है पम्पकिन बेचने वाले उसके पास जाओ। ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू अ फुल पम्पकिन ऑफ दिस साइज 4 rupees 10। और वो
बैड वेजिटेबल्स मतलब कि खराब वेजिटेबल्स रखते हैं, तो वो आपको ये पंपकिन है वो पूरा रुपीस 10 में दे सकता है, उसके पास जाओ पर यहाँ से भागो। द ग्रीडी कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर, तो फिर क्या करता है ग्रीडी कुंदू है वो नेक्स्ट पंपकिन सेलर के पास जाता है। ही लुक्स एट अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम, फिर वहां पर भी वो सेम साइज का पंपकिन देखता है और उससे पूछता है विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर रुपीज 10, क्या आप मुझे ये पूरा पंपकिन है वो 10 रुपीज में दे सकते हो। सो थर्ड पंपकिन सेलर वो क्या बोलता है, व्हाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस, आप वो जहाँ पर हाउस है उसके रूफ के ऊपर चढ़ के क्यों नहीं ले लेते, यू कैन गेट पंपकिंस फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ, तो वहां से आप लोगों को उसके प्लांट से पंपकिन है वो फ्री में मिल जाएगा, तो आप उससे ट्राई करो। तो ये सुन के कुंदू है वो तो बहुत ही हैप्पी हो गया, देखो कुंदू इज वेरी हैप्पी, ये सुन के कुंदू हैप्पी हो गया कि अगर वो उसके हाउस के रूफ के ऊपर चढ़ जाएगा तो उसे पंपकिन है वो फ्री में मिल जाएगा। He climbs the roof of that house and then dash. तो वो उसके हाउस के रूफ के ऊपर चढ़ता है, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये रूफ है उसका, उसके ऊपर चढ़ता है एंड देन क्या होता है गिर जाता है, देखो ये पंपकिन है वो भी दूर चला जाता है और कुंदू है वो भी गिरता है, ये देखो उसकी चप्पल से वो भी गिर रही है राइट। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें ग्रीडी मैन नहीं बनना चाहिए राइट। इतना लालची स्वभाव होना ठीक नहीं है, तो हमें लालच नहीं रखनी चाहिए, लालच है वो बुरी बला है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए, हमें जितना मिलता है उतना ही हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट वन टॉपिक इज यूजिंग ए प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट को देख के हमें कुछ वेजिटेबल्स है वो खरीदने हैं और यहाँ पर हमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, यहाँ पर प्राइस लिस्ट है, यहाँ पर आइटम्स दी गई है एंड प्राइस है वो रुपीस में दी गई है। तो कौन कौन सी आइटम्स दी गई है हमें यहाँ पर, टोमेटो पोटेटो ओनियन कैरेट एंड पम्पकिन, टोमेटो के पर किलोग्राम के रुपीस 8 है, पोटेटो के रुपीस 12 फोर किलोग्राम, अनियन के रुपीस 10 फोर 1 किलोग्राम, कैरेट के रुपीस 16 फोर 1 किलोग्राम एंड पंपकिन के रुपीस 4 पर किलोग्राम राइट। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए इज हाउ मच डज 1/2 किलोग्राम ऑफ टोमेटोज कॉस्ट, तो टोमेटो के 1 किलोग्राम के रुपीस 8 है तो हमें उसके हाफ करने पड़ेंगे राइट, तो उसके हाफ कितने होंगे रुपीस 4। Then B is which cost more 1/2 kilogram of onions or 1/4 kilogram of carrots, तो पहले तो हम onions का देखते हैं, onions के 1 kilogram के rupees 10 है तो half kilogram के कितने होंगे rupees 5 and 1/4 kilogram of carrots के कितने होंगे, तो carrot के 1 kilogram के rupees 16 है तो 1/4 के कितने होंगे rupees 5 क्योंकि 4 4 = 16, तो ऑनियंस है उसके रुपीस 5 होंगे एंड कैरेट के रुपीस 4 होंगे, तो किससे ज्यादा है कॉस्ट, कितना ज्यादा है ऑनियंस का ज्यादा होगा राइट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऑनियंस है उसका कॉस्ट ज्यादा है। देन नंबर सी इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 किलोग्राम ऑफ पोटेटोस, तो पोटेटोस के 1 किलोग्राम के रुपीस 12 है तो 3/4 किलोग्राम के कितने होंगे रुपीस 9 क्योंकि 3/4 मल्टीप्लाई बाय हम 12 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 9। देन नंबर डी इज कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज ओनली रुपीस 20 विथ हर, कीर्ति है वो शॉपिंग के लिए जाती है और उसके पास सिर्फ रुपीस 20 होते हैं, कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, उसकी शॉपिंग लिस्ट में जो भी है वो खरीद सकती है। देखो यहाँ पर ये कीर्ति है और ये उसका प्राइस लिस्ट है, उसमें क्या लिखा है पोटेटो 1/2 किलोग्राम, मतलब कि पोटेटो के 1/2 किलोग्राम के क्या होंगे रुपीस 6, देन पम्पकिन 2 किलोग्राम मतलब कि रुपीस 8, 6 + 8 इज इक्वल टू 14, देन कैरेट 1/4 किलोग्राम तो कैरेट के होंगे रुपीस 4, तो 6 प्लस
एट मतलब कि 14, 14 प्लस 4 तो क्या होंगे रुपीस 18। तो उसके पास तो 20 रुपीस थे, तो ये सभी खरीद पाएगी ना, राइट। तो आंसर आएगा यहाँ पर यस। देन नेक्स्ट वन इज मेक टू क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। आपको क्या करना है, आपकी प्राइस लिस्ट से अपने आप टू क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मच डज 1/2 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स कॉस्ट। कैरेट के 1/2 किलोग्राम के कितने रुपीस होंगे। एंड सेकंड वन इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/4 किलोग्राम ऑफ पंपकिंस। पंपकिन है वो 1/4 किलोग्राम चाहिए होंगे, तो उसकी प्राइस कितनी होगी। ये मैंने अपने तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं, आप लोग चाहे तो अपने तरीके से दूसरे क्वेश्चंस है वो भी बना सकते हैं, तो आप लोगों को वो भी ट्राई करनी है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज प्रैक्टिस टाइम। अभी आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। व्हाट पार्ट ऑफ द वॉल इज कलर्ड राइट बिलो ईच शेप। आप लोगों को क्या किया है, यहाँ पर कुछ शेप्स है वो ड्रॉ करके दिए है और उसमें कलर्स भी दिए है। आप लोगों को क्या करना है, नीचे उसका नेम लिखना है कि उसका पार्ट है वो कितना कलर करके दिया है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल है उसका 1 पार्ट है वो कलर करके दिया है, पर टोटल पार्ट्स कितने हैं 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2। देन यहाँ पर भी यहाँ रेक्टेंगल दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए हैं, 4 में से 2 पार्ट्स है वो कलर करके दिए हैं, सो 2/4। पर इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 2 2 4। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/2। देन बी इज कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। यहाँ पर कुछ शेप्स हमें ब्लैंक दिए गए हैं, पर नीचे हमें उसके पार्ट दिए गए हैं कि जिसके हिसाब से हमें वो शेप्स को कलर करना है। ये वाले शेप में 1/2 बोला है, तो टोटल 4 पार्ट है, 4 में से हमें 2 पार्ट्स को कलर करने हैं। देन यहाँ पर यहाँ सर्कल दिया गया है जिसके 3/4 को हमें कलर करना है, तो यहाँ पर हम ऐसे और ऐसे करेंगे तो टोटल 4 पार्ट्स हो जाएंगे, उसमें से 3 को कलर कर देना है। देन यहाँ पर भी क्या करना है, 3/4 पार्ट को कलर करना है, तो 4 में से हम 3 को कलर कर देंगे। देन यहाँ पर भी 4 पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें से 1 को कलर करना है, तो यहाँ पर हमें 1 को कलर करना है। देन यहाँ पर हमें टोटल रेक्टेंगल के 6 पार्ट्स दिए गए हैं, राइट, उसमें से 1/2 मतलब कि हाफ पार्ट को कलर करना है, तो टोटल 6 में से हम 3 पार्ट को कलर कर देंगे। देन यहाँ पर अगेन हमें रेक्टेंगल दिया गया, उसके 4 पार्ट्स हमें करने हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 3/4 मतलब कि 4 में से 3 पार्ट्स को कलर कर देना है, तो ये आप लोगों को भी कलर करके रेडी कर देना है। नेक्स्ट वन इज कट इन हाफ। यहाँ पर आपको कुछ शेप दिए गए, उसे हाफ में कट करना है। ड्रॉ ए लाइन विच डिवाइड्स दीज शेप्स इनटू हाफ। उसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पर ऐसे क्रॉस में, यहाँ पर भी ऐसे, एंड पंपकिन है यहाँ पर ऐसे, हाफ में लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर डी इज कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हियर। यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिए गए हैं और शेप्स के जो नंबर है उसके हाफ पार्ट में आपको कलर करना है, ये आपको दिखाया गया है। देखो यहाँ पर टोटल शेप्स कितने हैं, 8 टोटल शेप्स है, उसमें से हाफ को कलर करना है, मतलब कि कितने को, 4 को कलर करना है, राइट, जो हमें यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 को कलर करके दिया गया है, राइट। वैसे यहाँ पर ये कितने सर्कल्स है, टोटल 18 सर्कल्स है, उसके हाफ कितने होंगे, 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 9 सर्कल्स है उसे कलर कर देंगे। देन नेक्स्ट वन ये फ्लावर्स है, उसमें ये टोटल कितने फ्लावर्स है, 10 फ्लावर्स है, राइट, उसके हाफ कितने होंगे, 5। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर उसमें 5 को कलर कर देना है, तो ये आप लोगों को भी यहाँ इसमें 5 में कलर करके कंप्लीट करना है। देन नंबर ई इज कलर 1/4 ऑफ दिस सेट। यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिए गए, उसमें से 1/4 पार्ट को मतलब कि क्वार्टर पार्ट को कलर करना है। यहाँ पर टोटल हमें 4 शेप्स दिए गए, उसमें से 1 को कलर करना है, तो हमने यहाँ पर 1 को कलर कर दिया। देन यहाँ पर टोटल 8 शेप्स है, कितने, 8, उसके 1/4 कितने होंगे, 2, राइट, तो आपको यहाँ पर 2 को कलर करना है।
देन यहाँ पर कितने बॉक्सेस है? 4। तो 4 के 1/4 कितने होंगे? 1। तो आपको यहाँ पर 1 में कलर करना है। क्वेश्चन नंबर एफ इज मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन। जैसे आपको दिखाया गया है वैसे आपको कलर्ड पार्ट है उसके साथ मैच करना है। ये फर्स्ट वन है वो आपको दिखाया गया है कि ये 4 में से 2 पार्ट है वो कलर करके दिए हैं, तो ये क्या होगा? हाफ होगा, राइट। तो हाफ है वो हम कैसे लिखते हैं? 1/2। तो सेकंड में हम क्या करेंगे? 4 में से ये 1/4 पार्ट है वो कलर करके दिया है, तो हम 1/4 को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। और उसे हम कैसे लिखते हैं? 1/4। देन थर्ड वन इज ग्रीन वाला है, तो ये पूरा का पूरा कलर करके दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वोल। वोल मतलब पूरा कलर करके दिया है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 4/4। देन यहाँ पर 4 पार्ट है उसमें से 3 कलर करके दिए हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 3/4। और उसे नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 3/4। तो आपको इसे इसके साथ मैच करना है। समझ में आया? यस। Then G is make the other half. 1/2 of the picture is drawn here. आपको half part है वो draw करके दिया है. Can you complete the picture by drawing the other half? आप लोग drawing करके इसे दूसरा part है वो बना सकते हो. Yes, बना ही सकते हो, right? क्योंकि आप लोगों को drawing बहुत ही पसंद है. तो ये दूसरा part है वो आप लोगों को अपने आप draw करना है. Then number H is this is a quarter of a picture. ये वाला पिक्चर है उसका आपको क्वार्टर पार्ट दिया गया है, मतलब कि चौथा पार्ट। Can you complete it? क्या आप उसे कंप्लीट कर सकते हो? How many more quarters will you draw to complete it? आपको उसे कंप्लीट करने के लिए कितने पार्ट्स चाहिए होंगे? तो आप लोग कंप्लीट तो कर ही सकते हो, राइट? तो पहले तो हम यस लिखेंगे। कितने पार्ट्स चाहिए होंगे आपको उसके? 3/4, मतलब कि आपको उसके 3 पार्ट से वो मोर चाहिए होंगे, क्योंकि एक पार्ट हुए वो दिया गया है। ये किसका पिक्चर है? सन का, राइट? तो यहाँ पर और 3 पार्ट से वो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो आंसर आएगा 3/4। तो ये भी आपको ड्रॉ करके कंप्लीट कर लेना है और उसमें कलर्स भी कर देना है। तो यहाँ तक मैंने जो सिखाया है वो आप लोगों को अपने आप कर लेना है, और मैं जो वर्कबुक के फोटोज भेजूंगी वो भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेने हैं।